my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss weekly current affairs dated 30th October to 5th November 2022. So let's begin. The first news is about Kala Namak rice. So it is very important because it has also got GI tag. So recently Indian Agriculture Research Institute ने दो नई ड्वाफ वैरायटीज काला नमक राइस की डेवलप की है. ड्वाफ होती है छोटी. इन दोनों वैरायटीज का नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1652. कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इन दोनों का नाम देखें कि ये क्या है, किसके साथ रिलेटेड है. सो इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं. सबसे पहले तो जो काला नमक राइस है ये पैडी की राइस की ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसमें ब्लैक हस्क होता है और जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग होती है. ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के श्रावस्ती के लोगों को लॉर्ड बुद्धा के द्वारा गिफ्ट दिया गया था ऐसा माना जाता है. अब इसको नया लुक और नया नाम दे रही है IARI. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो इसको GI टैग मिला हुआ है और GI टैग एप्लीकेशन के टाइम ही ये चीज़ रिकॉर्ड की गई है कि लॉर्ड बुद्धा ने ये काला नमक पैडी गिफ्ट की थी टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती सो दैट दे रिमेम्बर्ड हिम बाय इट्स फ्रेग्रेंस. अब हम देखते हैं कि GI टैग है क्या. सो GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन. GI टैग ऐसा साइन होता है जो प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है जिनके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं और वो टैग उस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन के रीजन को रिप्रेजेंट करता है. इन ऑर्डर टू फंक्शन एज अ GI अ साइन मस्ट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग इन अ गिवन प्लेस. अब सपोज काला नमक राइस किसी और प्लेस में ग्रो किया जाए तो उसको GI टैग नहीं माना जाएगा. GI टैग मिला है श्रावस्ती के काला नमक राइस को. सो GI टैग जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ रिलेटेड है. जियोग्राफिकल टैग जो है ये 15 सितंबर 2003 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था और इंडिया में GI टैग फर्स्ट टाइम मिला था दार्जिलिंग टी को. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट प्लेसेस से इंडिया में जिनको GI टैग मिला हुआ है. और अगर हम बात करें कि ये टैग देता कौन है तो इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो इस टैग को प्रोवाइड करती है, वो इस टैग को सर्टिफाई करती है. नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं डिजिटल रुपी है क्या. डिजिटल रुपी और डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स विच इज इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी यूज इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन्स. डिजिटल फॉर्म में आप यूज़ करते हो, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन्स में यूज़ करते हो. अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप की होती है. द फर्स्ट वन इज रिटेल एंड सेकेंड वन इज होलसेल. जो रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है ये सभी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक यूज़ कर सकती है, रिटेल कस्टमर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है इट इज़ डिज़ाइंड फॉर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. होलसेल सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही एक्सेस मिलता है. और अभी जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये होलसेल सेगमेंट में हुआ है. इसमें जो पार्टिसिपेटरी बैंक्स हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC. ये बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. इसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि इट इज़ द फर्स्ट पायलट इन डिजिटल रुपी. जो फर्स्ट पायलट है डिजिटल रुपी सेगमेंट में वो विद इन अ मंथ
प्लान किया गया है उसका लॉन्च भी सिलेक्टेड लोकेशंस में। नेक्स्ट है DRDO टेस्ट फेज टू ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। DRDO ने फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट टेस्ट किया है, कंडक्ट किया है किसका, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल के फेज टू का। अब ये क्या है, ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए डिज़ाइन की गई है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के भी लिए भी यूज़ होगी और एयरक्राफ्ट्स के लिए भी यूज़ होगी। अगर इसकी प्रोपेलेशन की बात करें तो ये टू स्टेज सॉलिड मीटर प्रोपेल्ड है एंड इसका इक्विप किया गया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम एंड गाइडेंस एल्गोरिदम से। ये सभी चीज़ें इंडिजीनियसली डेवलप हुई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की। गिरिधर एरमन ने, ही इज 1988 बैच IAS ऑफिसर, ही टेक्स चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है VR कृष्णा गुप्ता, इन्होंने BPCL के चेयरमैन के एडिशनल चार्ज को अज्यूम किया है। नेक्स्ट है ब्राजील में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है लुई इनासियो लुआ दा सिल्वा। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसडर टू कोट द आइवियर, जो कि अफ्रीकन नेशन है, इसके एम्बेसडर जो नेक्स्ट अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेश रंजन, जो कि IFS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के न्यू CEO अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है विशाल कपूर। द नेक्स्ट वन इज बाजी रौत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इज इनॉग्रेटेड ऑन उड़ीसा। द नेक्स्ट इज शुभ्रकंत पांडे हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो रिसेंटली टाटा स्टील वेटरन जमशेद जे ईरानी, जिन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ CII की तरह भी सर्व किया है, ही हैज़ पास्ड अवे। ही हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड इन 2007। नेक्स्ट ऑबिचुअरी है इलाबेन भट्ट हैज़ पास्ड अवे, जिनकी आपको पिक्चर भी स्क्रीन पे दिख रही है। शी इज फाउंडर ऑफ सेवा, जिसकी फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वमेन्स एक्टिविस्ट, एंड शी हैज़ बीन रिसिपियंट ऑफ मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, जिनमें से कुछ हैं पद्म भूषण जो कि उनको 1985 में मिला था, 1977 में उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर हैं जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी काम किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, और साउथ एशिया में वमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट है कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। सो साक्षी महस्के, शी हैज़ वन 49 kg गोल्ड मेडल इन 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी इन द खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वमेन्स वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट। दीज टूर्नामेंट्स वर हेल्ड एट मोदी नगर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियाज सूर्य कुमार यादव हैज बिकम वर्ल्ड नंबर वन T20 इनिंग बैटर। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमने अभी रिसेंटली एक वीकली न्यूज में ये भी डिस्कस किया था कि इन्होंने पाकिस्तान के रिजवान को सरपास किया है। सो अब ये T20 इनिंग्स में वर्ल्ड नंबर वन बैटर बन गए हैं। नेक्स्ट है विराट कोहली हैज़ बिकम हाईएस्ट रन स्कोरर इन 2020 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडियाज चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रानकी रेड्डी हैव वन बैडमिंटन्स मेन्स डबल फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 विच वर हेल्ड इन पेरिस।
नेक्स्ट इज इंडियाज अंडर 21 मेन्स हॉकी टीम हैज वन सुल्तान ऑफ जोहर कप टाइटल आफ्टर डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन टीम इन द फाइनल्स विच वर हेल्ड इन मलेशिया. ये इंडिया का फर्स्ट सुल्तान कप नहीं था, उनका थर्ड सुल्तान कप था ये. नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि जीता है स्पेन ने, और इन्होंने कोलंबिया को हराया है और ये मैच हुआ था मुंबई में. नेक्स्ट इज माता अमृत आनंदमयी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ इंडियाज सिविल 20. नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स. सो द फर्स्ट वन इज चाइना लॉन्चेज थर्ड एंड फाइनल मॉड्यूल ऑफ तियांगोंग स्पेस स्टेशन नेम्ड एज मेंगटियन. काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये. नेक्स्ट इज तमिलनाडु के मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में. यहाँ पे एक इन्वेजिव स्पीशीज ग्रो कर रही है जिसका नाम है सीना स्पेक्टेबिलिस, जो कि एग्जॉटिक ट्री है जिसके येलो कलर के फ्लावर्स हैं, और इसने अराउंड 1200 हेक्टेयर्स कवर कर लिया है इस टाइगर रिजर्व में. सो रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट में इसके हियरिंग भी चल रही है कि इसको रिमूव करने के ऑर्डर पास किए जाएं. इन्वेजिव स्पीशीज या फिर एग्जॉटिक ट्री होते हैं जो कहीं और से उस जगह पे लाकर ग्रो किया जाए, या फिर कहीं और से वो आकर उसने वहाँ की स्पीशीज पे कोई इन्वेड कर लिया हो. नेक्स्ट है कर्नाटका टू इंट्रोड्यूस 10 मिनट्स ऑफ ध्यान फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्कूल्स एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट. सो ध्यान मीन्स मेडिटेशन. कर्नाटका इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसने अभी अनाउंस किया है कि वो सभी स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 10 मिनट्स की मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट इज पन्ना मरम हिरोनरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हिरोन्स इन मलाबार रीजन ऑफ केरला. इट इज़ ऑल सेट टू गेट द फ्रेश लीज ऑफ लाइफ. इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 9 स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स का ब्रीडिंग सेंटर है. नेक्स्ट इज COP27 विल बी हेल्ड इन इजिप्ट. COP27 क्या है? UN क्लाइमेट मीट होती है जिसमें काफ़ी कंट्रीज के मेम्बर्स पार्टिसिपेट करते हैं और क्लाइमेट के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करते हैं, और क्लाइमेट चेंज को सेव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फर्दर लिए जाएंगे उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो फर्टिलाइजर सब्सिडी को डबल करेंगे. नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. यूपी के मथुरा वृंदावन ने अनाउंस किया है कि इट विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय द ईयर ऑफ 2024. सो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि ओनली ई व्हीकल्स विल बी अलाउड इन द पब्लिक एरिया एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ने ये चीज़ अनाउंस की है. नेक्स्ट है नागालैंड विल अंडरटेक फर्स्ट एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज. एंड पहले ये अमूर फाल्कन्स बर्ड की डॉक्यूमेंटेशन करता था, अब ये और बर्ड्स को भी इसमें इंक्लूड करेगा. नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. UGC ने डिक्लेयर किया है कि दिसंबर 11 विल बी ऑब्जर्व्ड एज भारतीय भाषा दिवस एवरी ईयर मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पोएट सुब्रमण्य भारती, जो कि मॉडर्न तमिल पोएट्री की पायनियर मानी जाती हैं. नेक्स्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिया में हरित लॉन्च किया है जिसके फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे, जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मोजेम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विच वॉज हेल्ड इन तंजानिया. आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि IMT ट्राइलेट के कौन कौन से मेंबर नेशंस थे. नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डेटा सेंटर इज सेटअप इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज.
बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मानगढ़ धाम को नेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। नेक्स्ट इज इंडियन कैंप 2022 कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज टाटा स्टील हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन फॉर 3 फैसिलिटीज इन जमशेदपुर स्टील प्लांट। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन है ये। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जी ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम को अप्रूव किया गया कर दिया है एज धोनी पोलो एयरपोर्ट। ये इस स्टेट में थर्ड एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है अबाउट कैंसो कॉन्फ्रेंस जिसकी फुल फॉर्म है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है यूटा D1। ये ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप की है एंड दे विल लॉन्च नामा व्हाट्सएप चैटबोट बेस्ड QR टिकटिंग सर्विस। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये है उत्तर प्रदेश में और ये उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में जल्दी ही फिश म्यूजियम बनाया जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट फिश म्यूजियम होगा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल को स्कॉच अवार्ड मिला है फॉर इट्स लखमीर बंदर स्कीम जो कि है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कंडक्ट किया है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये लॉन्च किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो ट्विटर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको इलोन मस्क ने टेक ओवर कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये काफी चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ट्विटर में। नेक्स्ट इज इंडियन साइंटिस्ट्स ने इंडिजीनियस ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है अलीबाग में। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसका नाम है ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट है रिसेंटली मॉर्बी ब्रिज कोलैप्स हुआ था और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। मॉर्बी ब्रिज है माचू रिवर पे बना हुआ है और ये गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2-finger test बैन किया है। कई बार पूछ लेते हैं कि 2-finger test किसके साथ रिलेटेड है, ये है रेप केसेस के साथ रिलेटेड। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो रिनाउंड कार्नेटिक वोकलिस्ट जिनका नाम है अरुणा साईराम, इनको फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है जिसका नाम है शेवेलियर डी आई ऑर्डरी डेड आर्ट्स इट डिस। नेक्स्ट है राजस्थान के नाथद्वारा में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा अनवील किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज की। सो सबसे पहले 31st October को नेशनल यूनिटी डे या फिर सेलिब्रेट किया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। इसके बारे में अगर कुछ और अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू भी गुजरात में प्लेस किया गया है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। 31st October को ही वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे भी मनाया जाता है जिसका इस बार का थीम था सेविंग प्रिपेयर्ड यू फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट इज 31st October से लेकर 6 November तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2022 का थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन।
नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेगन डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर और इस साल का ये थीम है फ्यूचर नॉर्मल। इसका ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में 1994 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 नवंबर को। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।